तो वो आपकी सबसे ज़्यादा बड़ी गलती होगी वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर लोग ये कहेंगे वो कहेंगे लोगों का काम है कहना कुछ ना कुछ तो वो कहेंगे आपके आज के डिसीजन जो है ना वो आपके फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करेंगे इन्फ्लेशन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो जो हमारे चीज़ें कंट्रोल में नहीं है उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते बट जो हमारे कंट्रोल में है हम वो तो कर सकते हैं बट हर चीज़ का एक बैलेंस रखो वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हाई गाइज़ एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आई होप आप सब लोग हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे सबसे पहले तो आई एम रियली वेरी सॉरी काफ़ी टाइम से मेरी कोई वीडियो नहीं आ पा रही है वो इसीलिए क्योंकि जब मैं इंडिया से वापस आई थी मेरे को सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लग गया एंड ऊपर से आने के कुछ टाइम बाद ही आई गॉट प्रमोटेड सो मेरी न्यू जॉब थी उसकी न्यू लोकेशन थी उसमें भी सेटल होने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया इस सब के अलावा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही हैं मैं सब कुछ आप लोगों के साथ चैनल पे डिस्कस करूंगी सो मेक श्योर आप मेरे चैनल के साथ बने रहें इसको सब्सक्राइब करें एंड बाकियों के साथ भी शेयर करें इन एडिशन टू दिस हमारे यूट्यूब पे फाइनली 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं थैंक यू एवरी आप सबके सपोर्ट के लिए इसी तरह का सपोर्ट मेरे चैनल को देते रहें लाइक करते रहें सब्सक्राइब करते रहें उससे मुझे मोटिवेशन मिलते हैं ताकि मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ला सकूँ एंड आप लोगों के साथ अपनी यहाँ की जर्नी शेयर कर सकूँ आज से कुछ साल पहले जब मैं कनाडा में आई थी मैंने भी अब तक बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं अपने फ्रेंड्स को देखा है कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की हैं और भी काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की स्टोरी सुनी है कि उनकी किन गलतियों की वजह से आज उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मिज़रेबल है आप लोग न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की लाइफ यहाँ पर कितनी ज़्यादा बुरी चल रही है या फिर कितनी ज़्यादा मिज़रेबल चल रही है सो आज की वीडियो मेरी इसी टॉपिक के बारे में होने वाली है कि वो क्या गलतियाँ हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स करते हैं जिनकी वजह से उनकी लाइफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है एंड अगर आप लोग यहां पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं तो so आप लोगों के लिए ये वीडियो एंड तक देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ को यहां पे सक्सेसफुल बनाने के लिए इफ यू आर कमिंग हेयर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट देयर कैन बी टू सिनारी या तो आप अच्छे डिसीजन लेके अपना यहां पे सक्सेसफुल करियर बना सकते हो और यू कैन जस्ट इंजॉय योर टाइम इन द बिगिनिंग विदाउट एनी फ्यूचर गोल एंड जस्ट फॉलो द सेम पाथ विदाउट एनी ग्रोथ इट ऑल कम्स डाउन to mindset. ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा सिर्फ यही मोटिव है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं वो गलतियों के बारे में जो किसी ना किसी टाइम पे मैंने की हैं या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को करते हुए देखा है किसी को डीमोटिवेट करना मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है सबसे पहली गलती जो ऑलमोस्ट हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट करता है यहाँ पर आने के बाद वो है कम्पेरिजन डोंट एवर कंपेयर योर विद अदर्स आप यहाँ पर नए नए आए हो अगर आप अपने आप को कंपेयर करते हो उस पर्सन के साथ जिसको यहाँ पर रहते पाँच छः साल हो गए हैं तो वो आपकी सबसे ज़्यादा बड़ी गलती होगी वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करेगी आपने अभी स्टार्टिंग के स्ट्रगल्स देखने हैं और उस इंसान ने वो सारे स्ट्रगल्स देख के जिस पोजिशन पर आज वो पहुँचा है वो मेहनत करके पहुँचा है और आप लोगों ने ये सारी मेहनत अभी करनी है आप यहाँ पर अभी आए हो उनको यहाँ पर आए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है उन्होंने वो सब देखा है जो आप देखने वाले हो इसीलिए अगर आप अपने आप को उनके साथ कंपेयर करोगे तो ऑब्वियस आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाओगे इसीलिए आपकी खुद की जर्नी है आपने खुद वो जर्नी कवर करनी है एंड हर एक पर्सन की अपनी खुद की लाइफ होती है उनके खुद के डिसीजंस होते हैं इसीलिए अपने आप को किसी और से कभी भी कंपेयर मत कर सेकेंडली डोंट फेयर जजमेंट जब आप यहाँ पे नए नए आओगे ना आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे ये मत कर वो मत कर या ऐसा मत कर वैसा मत कर कहते हैं ना सुनो सबकी करो खुद की आपके पास आपके खुद का ब्रेन है उसको यूज़ करो सबके सजेशंस लो बट करो वही जो आपको सही लगता है अब स्टार्टिंग में यहाँ पर आके आपको हर तरह की जॉब करनी पड़ सकती है अगर आप ये सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे कि मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ उनको आप जर्नी नहीं पता है आप वहाँ से निकल के कहाँ पहुँचोगे अगले चार पाँच साल में वो भी किसी को नहीं पता है और वो डिसीजन आप लोगों ने खुद लेने हैं कोई भी ऐसा काम मत करो ये सोच के कि यार अगर मैं ऐसा करूँगा तो वो सब खुश हो जाएंगे या फिर लोग ये कहेंगे वो कहेंगे लोगों का काम है कहना कुछ ना कुछ तो वो कहेंगे ही इसीलिए अपने डिसीजन बहुत ज़्यादा वाइसली लो जो भी आपको स्टार्टिंग में आके जॉब करनी पड़ रही है उसको करो एंड उसी जॉब के ड्यूरेशन में अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान क्योंकि आपकी लाइफ हर टाइम यहाँ पर सेम नहीं रहेगी आज अगर आप डिफ़िकल्ट टाइम से निकल रहे हो तो कल को आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ की तरफ पहुँचोगे बट सब कुछ आपके डिसीजन पर डिपेंड करेगा अपना टाइम बिल्कुल भी मत वेस्ट करो जहाँ भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना बहुत सोच समझ के करो क्योंकि आपके आज के डिसीजन जो है ना वो आपके फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करेंगे आप जैसे जैसे अपनी लाइफ यहाँ पे स्टार्टिंग में डिसाइड करोगे ना उस सब पे डिपेंड करेगा कि आप फ्यूचर में यहाँ पे कितने ज़्यादा सक्सेसफुल होगे इसीलिए जज ट से बिल्कुल मत डरो जो भी आपको सही लगता है अपने लिए यहां पर आके वो करो डोंट कंप्लेन वर्क फ़ॉर इट अगर आप यहाँ पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो तो आने के कुछ टाइम तक आपको थोड़े से स्ट्रगल्स फेस करने पड़ सकते हैं क्या पता आपको दो तीन हफ्ते तक जॉब नहीं मिले बट अगर आप बैठ के उस बारे में सिर्फ कंप्लेन करते रहोगे कोई एफ़र्ट नहीं डालोगे कुछ हासिल नहीं करोगे तो वो आपको चीज़ कहीं पर भी नहीं ले जाएगी वो आपके फ्यूचर में आपको हेल्प नहीं करेगी आपको बैठे बैठे जॉब नहीं दिला देगी इसी कंप्लेन करने के बजाय अगर आप थोड़े से एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालोगे ना तो आपकी लाइफ यहाँ पर आसान हो जाएगी अब कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है इन्फ्लेशन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो जो हमारे चीजें कंट्रोल में नहीं है उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते बट जो हमारे कंट्रोल में है हम वो तो कर सकते हैं जैसे कि आप अच्छे रेज्यूमर्स बना सकते हो अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हो जा जाके अपने रेज्यूमे ड्रॉप कर सकते हो लोगों से बात कर सकते हो कि वो उस पोजिशन तक कैसे पहुंचे हैं या फिर अपनी हसल को जारी रख सकते हो अगर आप एक दो जगह जाके फॉर एग्जाम्पल जॉब अप्लाई करते हो एंड उसके बाद बैठ के सिर्फ उसका पंद्रह बीस दिन वेट करते रहते हो सो दैट इज कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम सो आप या तो बैठ के कंप्लेन कर सकते हो या तो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए हासिल कर सकते हो इसीलिए यहाँ पर आने के बाद आप लोगों का माइंड स्ट्रांग होना जरूरी है आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें जाके हासिल करनी पड़ेगी तभी आप लोग कहीं पहुंचेंगे बैठ के कंप्लेन करने से आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा इसीलिए मेक प्लान्स

एग्जाम्पल काम कर रहे हो सो so नेक्स्ट जो सिक्स डे है वो अपने खुद के लिए निकालो अगर आपका बाहर जाने का मन नहीं है कोई बात नहीं घर पे बैठो रेस्ट करो अपने माइंड को रिफ्रेश करो अपने फ्यूचर प्लान्स बनाओ बट अपने खुद के लिए टाइम जरूर निकालो अगर आप सिर्फ काम ही करते रहोगे ना तो वो चीज़ भी आपके लिए सही नहीं है कैनेडा आप आए हो यहाँ पर पढ़ाई करो अपना वक्त इंजॉय करो काम करो अपना फ्यूचर सेट करो बट हर चीज़ का एक बैलेंस रखो वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा पॉर्टेंट है अब यहाँ पर लाइफ इतनी फास्ट है ना कभी कभी हमें दिन का मंथ का पता ही नहीं चलता कहाँ पर गया मैंने खुद की चीज़ एक्सपीरियंस की है यहाँ पे आके अगर मैं अपनी होम कंट्री की बात करूँ मैं इंडिया से हूँ सो तो वहाँ पर लाइफ ना काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है हमारे पास चीज़ें करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है हम कॉलेज भी चले जाते थे आके ट्यूशनस भी चले जाते थे खेल भी लेते थे टी भी देख लेते थे होमवर्क भी कर लेते थे तो वहाँ ना बहुत ज़्यादा लाइफ स्लो थी बट जैसे ही मैं यहाँ पर आई हूँ ना मेरा पूरा दिन कहाँ पर निकल जाता है मुझे ख़ुद को पता नहीं चलता है इसीलिए मैंने एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ आप शेयर कर रही हूँ कि अपने खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है छः दिन काम करो सात दिन काम करो बट एक दिन अपने लिए जरूर निकालो कैनेडा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कंट्री है आप यहाँ पर मेहनत भी करो और इंजॉय भी करो इतनी ब्यूटिफुल प्लेस हैं यहाँ पे वहाँ पर जाओ एक्सप्लोर करो माइंड रिफ्रेश करो अपने प्लान्स बनाओ और अपनी यहाँ की जर्नी को सक्सेसफुल बनाओ आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा अगर आप यहाँ पे नए नए आने वाले हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है या फिर आप जिनको जानते हैं जो यहाँ पे आने वाले हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इन सब गलतियों से बचें एंड उनकी यहाँ पर लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाए सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आई है सो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ मैं आपको मिलती रहूँगी टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बाय बाय